फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्किल्स या स्किन का डलनेस, इन ऐसी ही समस्याओं को हम दूर करने के लिए हम तरह तरह के बाजारों प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, या फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं, या किसी ब्यूटिशियन के पास में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन वैसी की वैसी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने फर्क रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, इसके बाद में सेम वैसी ही रहेगी। लेकिन आपको हमेशा के लिए इसमें ग्लो लाने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, मैं आपके लिए आज के सेशन में ऐसा ही कुछ फेस मास्क लेके आई हूँ जिसमें इस प्रकार की सारी समस्याएं दूर होंगी, और जो स्किन में डलनेस है वो डलनेस दूर होके काले दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन, रिंकल्स, छोटी छोटी फाइन लाइंस, वो सारी दूर होकर के हमेशा के लिए कसावट आ जाएगी। इस मास्क को आपको वीक में 2 या 3 बार ट्राई जरूर करें, तभी फर्क नजर आएगा। आज की वीडियो में हम उस फेस मास्क को कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप हम करेंगे आज पोटेटो का फेस पैक। पोटेटो में क्या होते हैं? पोटेशियम नामक पोषक तत्व होता है जो हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्किल्स या स्किन का डलनेस होता है उसको दूर करके एक स्किन के अंदर कसावट लाता है। आप यदि ये फेस मास्क वीक में 3 या 4 बार या 2 बार भी यूज करते हो तो आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। जो जिन समस्याओं से आप परेशान होकर के हम बाहर उनका हल ढूंढते हैं वो हमारे घर में ही है, और कुछ ऐसी चीजें आसानी से हमारे किचन में मिल जाएगी, हमें मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है। हम पोटैटो लेंगे और पोटैटो को छीलेंगे, छीलने के बाद में कद्दूकस करेंगे और उसको किसी मोटी चलनी या फिर मोटे कपड़े से इसको छान लें। कद्दूकस किया हुआ जो छिलका होता है उसको अलग रखेंगे, क्योंकि हम कोई भी फेस मास्क लगाते हैं तो उससे पहले चेहरे को क्लीन करते हैं। तो इसके अंदर आपको शहद मिलाना है, नींबू मिलाना है, और फेस पे, गर्दन पे, जहां आप चाहें कोहनी पे, उससे आप लगा करके फेस को साफ करें। फिर उसके पश्चात में उसको 10 से 15 मिनट, जो अपने स्टार्च को छाना है उसको 10 से 15 मिनट तक रखने दें। रखने के बाद में आप ये देखेंगे कि जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, स्टार्च नीचे रहेगा, और जो स्टार्च है वो आप खुद इसको प्रैक्टिकल करके देखना, लगाना उस स्टार्च है वो उसमें इतना टाइटनेस होता है कि जैसे हम फेस में यूज करते हैं तो वही टाइटनेस हमारी स्किन में आ जाता है। उसके अंदर आपको 1 चम्मच बेसन का डालना है, फिर चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है और शहद डालना है 1 चम्मच। नींबू आप अप्लाई करना चाहें, पहले नींबू इस्तेमाल कर लिया फिर भी आपकी स्किन अगर ड्राइनेस है, सेंसिटिव है, तो आप नींबू का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसको आपको सब पूरे को पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के पश्चात आपको फेस पे लगाना है। फेस पे आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से लगा के रखें, और लगाने के बाद 10 मिनट रखें। 10 मिनट के बाद में आपको उसको गीले हाथों से थपथपाना है। थपथपा के फिर उसमें आपको जैसे मसाज पार्लर वाली करती है वैसे मसाज अपने को 5 या 10 मिनट तक, उसमें 5 मिनट तक तो कम से कम करनी है, 5 मिनट तक करें। और जो फेस पे आप चेहरे पे लगाएं वो गले पे भी अप्लाई करें, क्योंकि दोनों का कलर डिफरेंट लगता है और गले पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस फेस पैक में वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी जिन समस्याओं के लिए अपन बाहर समाधान ढूंढते हैं। इसको आपको वीक में 3 या 4 बार इस्तेमाल करना है। यदि नींबू या किसी चीज से, इनमें से किसी चीज से आपसे आपको एलर्जी है तो उसका इस्तेमाल ना करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस रेमेडीज को मेरे कहने पर आप इस्तेमाल जरूर करें। आलू का रस होता है वो इन सारी समस्याओं को जरूर दूर करे। ऐसी ही जानकारी के साथ में अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।